हेलो वालेकुम क्या हाल है आप सबका ठीक है आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज देख रहे हैं मैंने शुरुआत की है बड़े प्यारे प्यारे ग्रीन कलर के ये प्लांट से इतने प्यारे लग रहे थे ये फ्रेश लग रहे थे हम लोग आए थे बियन क्यू पे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे अपने घर का किचन चेंज करने के लिए तो हम लोगों ने सोचा कि चलें देखते हैं कौन सी कलर टोन जो सी अच्छी लगेगी कौन सा कलर हम लोग सिलेक्ट करें कौन सा सूट करेगा हमारे घर के साथ और इस चीज़ को जो आज हम लोग जो देखने के लिए आए थे तो जैसे ही हम अंदर आए थे तो इतने ये प्यारे प्यारे प्लांट्स थे तो किस तरह हम लोग इनको छोड़ के अंदर जा सकते थे देखने के लिए तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ आपको भी दिखाती हूँ देखें कितने प्यारे प्यारे ये हैं ये अब हम आ गए थे किचन की तरफ तो ये फर्स्ट वाला किचन था जो अभी हम अंदर ही आए थे किचन वाली साइड पर तो ये था वाइट और ग्रे कलर की फ्लोरिंग थी और ब्लैक कलर का उन्होंने कुकर दिया हुआ था और इंसेक्टर फैन जो भी ब्लैक था गोल्ड कलर की उन्होंने टैब लगाई हुई थी इस पर और वाइट कलर का ही सिंक लगाया हुआ था दूसरा किचन था उसके ऊपर हम आए थे तो ब्राउन कलर की फ्लोरिंग आप देख रहे हैं वुडन फ्लोरिंग है और कैमल ब्राउन कलर की और साथ में रॉयल ब्लू कलर का ये सारा किचन सेट बना हुआ है ये यूनिट्स वगैरह सारे ये ड्रॉज़ ये पता नहीं अब वीडियो में आपको किस कलर का नज़र आ रहा है पर यहाँ पे रॉयल ब्लू कलर का है तो ये मैं अभी ड्रॉ ओपन करके देख रही थी ये नॉर्मल है जिस तरह पर इसकी सबसे अच्छी बात थी ये जब ड्रॉ वगैरह क्लोज़ करें ना तो ये सॉफ़्ट क्लोजिंग वाला है जैसे कि एकदम से हाथ अंदर आ जाए किसी का या बच्चे का तो वो हर्ट नहीं होता ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे इसकी लगी थी तो अभी इसका उन्होंने ओवन वगैरह ब्लैक और ग्रे में दिया हुआ था चले हम दूसरे किचन की तरफ आए हैं इस किचन का भी यही था कि डार्क ग्रे कलर का था जो नीचे वाला इसका था पार्ट और जो ऊपर वाला था ना वो था वाइट और आप देख रहे हैं इसकी वाइट कलर की फ्लोरिंग है वो मार्बल टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं और इसकी जो वर्क टॉप है ना वो भी उन्होंने मार्बल की लगाई हुई है और जो सिंक वगैरह वो स्टीनल स्टील, स्टील का है और टैप भी नॉर्मल जिस तरह होती है वो है पर ये बहुत नाइस लग रहा था वो डिसेंट सा और अच्छा लग रहा था ये सारी कलर स्कीम जो उन्होंने की हुई है साथ में जो लाइट वगैरह लगाई हुई है अच्छा लग रहा था ये प्यारा लग रहा था आप देख रहे हैं जिस तरह नॉर्मल किचन साइज होते हैं वो उस साइज़ का था डिपेंड करता है अपने ऊपर हमने कितना बड़ा बनाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है तो बाकी ये क्या अच्छा था ये इसके भी ड्रॉ सेम थे सॉफ्ट क्लोजिंग वाले थे कोई ज़ोर सी आवाज़ आने वाले नहीं थे और ये वाले किचन की के तरफ दूसरे ये था छोटे मतलब के घर होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तो जिसके लिए उन्होंने ये कॉर्नर के लिए एक बनाया हुआ किचन बहुत अच्छा लग रहा था बड़ा अच्छा सा उन्होंने ये दिया हुआ था स्टाइलिश सा जैसे कि अभी ये वर्क बोर्ड उन्होंने ब्राउन दिया हुआ है कैबिनेट्स वाइट दी हुई हैं और हैंडल्स उनसे वो ब्राउन दिए हुए हैं तो बड़ा अच्छे से ये लग रहा था और इसके जो टॉप वाली कैबिनेट थी ना वो थी ऑलिव ग्रीन कलर की अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था नाइस लग रहा था तो अभी जो उनसे हम लोग जाएंगे इसके बाद एक और यूनिट की तरफ किचन की तरफ तो ये था जी डार्क ग्रे कलर का और ब्लैक कलर का और वाइट वाइट कलर की फ्लोरिंग थी शायद और मैं खुद भी भूल गई पर नज़र वाइट ही आ रही है इसमें ना तो ये भी किचन बहुत प्यारा था जो मुझे इन सब में से अच्छा लगा था ना मुझे ये अच्छा लगा था ये बहुत नाइस था इसका वर्कटॉप भी ब्लैक कलर का था उसके बाद टॉप वाली जो कैबिनेट्स हैं वो ग्लास की बनी थी और बहुत नाइस लग रही थी इस वीडियो में आप देख रहे हैं रहीम भी सारा चेक कर रहे है कि शायद हम ये पता नहीं कि कहाँ पे आ गए हैं शायद किसी के घर में आ गए हैं तो ये भी ड्रॉज बहुत नाइस थे और इसके ड्रॉ काफ़ी बड़े बड़े थे और नाइस थे स्पेस काफ़ी होना चाहिए किचन में आपको पता है तो अभी ये उन्होंने टॉल कैबिनेट रखी थी ये वाला यूनिट तो इसके अंदर हम फ्रिज भी एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम अपने अपने पाकिस्तानी मसाले भी रख सकते हैं जो भी स्पाइस वगैरह तो चलें जी आप मुझे ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा आपको किचन अच्छा लगा कौन से वाला नाइस लग रहा था तो ज़रूर मुझे बताइएगा तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अला हाफिज़